13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल हमारे साथ नहीं जा रहा। लेकिन उसी ने तो इस जंग के लिए हमें फिलहाल उसे एक और जिम्मेदारी निभानी है, और वो जिम्मेदारी भी नोयान जितनी ही अहम है। सब कुछ जानते होंगे किस मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं आप। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के अमन सुकून के लिए कर रहे हैं ना मेरे भाई। भाई अगर बहादुरी की बात है तो आपका कोई सानी नहीं भाई। यहां आओ मेरे पास, गले लग जाओ। एक दाव खेला मैंने और सुल्तान अलाउद्दीन को तमाम मालूमात लिखकर भेजने लगा। नोयान को धोखा दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने रियासत के मफाद में मंगोल सियासत के लिए मेरी भेजी हुई मालूमात के मुताबिक फैसले किए। कई बार हम जंग के दहाने पर थे। सुल्तान की दानिशमंदी और मेरी मुखबरी से हमें जंग रोकने में कामयाबी हुई, लेकिन खेल खत्म हो गया। जालिम उगताई खान का हदफ अनातोलिया है। वो अगर वहां पहुंचने में कामयाब हो गया तो वो शहर के शहर तबाह बर्बाद करके रख देगा। मेरे तुमसे ना मिलने की वजह थी क्योंकि मेरा शहीद समझा जाना हमारे हक में था। Oh!
मेरी अब एक आखिरी जिम्मेदारी है, तुमसे इसीलिए मिलना चाहता था। आपके लिए और अपनी रियासत के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। मुझे अपने शेर से यही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में मौजूद तुर्कों को वहां से वापस बुलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मेरे भाई। कैसे होगा ये सब? उस खान की मार से सुल्तान को उम्मीद है कि यह मोहर उस कबाइल के माबैन खोया हुआ इत्तेहाद और भाईचारा दोबारा से मजबूत करने में मदद करेगी। उन्होंने मुझे इसी मकसद के लिए भेजा है। इस मोहर की क्या हैसियत है भाई? मोहर की हैसियत अपनी जगह, लेकिन असल मसला मंगोल लश्कर में मौजूद तुर्कों का है। उनको उनकी शनाख्त याद दिलाकर गुलामी से आजाद करवाना है और मंगोल लश्कर को नुकसान पहुंचाना है। अगर तुर्क उनकी मुआवनत ना करते तो वो कभी इतने मजबूत नहीं होते। सुल्तान अलाउद्दीन ठीक कहते हैं भाई, लेकिन अगर हम आलमे इस्लाम को मुत्तहिद नहीं कर पाए और उन्हें एक दूसरे की मदद पर आमादा नहीं कर सके तो सुल्तान अलाउद्दीन अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मुंतजिर हूं मैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अक्सा कल्ली से मिलवाओ, क्योंकि उनकी मदद के बगैर यह काम नामुमकिन है। तो तुम्हारे पास उस खान की मोहर है? मुझे बताओ सुंगुरतकीन के बारे में। किस हाल में है वो बताओ मुझे। उसकी रंगत कैसी हो गई है? चेहरे पे झुर्रियां आ गई है क्या? हाँ, उसे जब आखिरी बार देखा था मैंने, वो एक नौजवान लड़का था। उसके बारे में सब कुछ बताओ मुझे। चलो बताओ मुझे सब। वो कैसे बड़ा हुआ? इतना अरसा कहाँ गुजारा मेरे बच्चे ने? वो आपको और सुलेमान शाह को एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं वालिदा। अपने भाई और कबीला, इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी उन्हें सब याद है। ऐसा लगता है वो यहां से गए ही नहीं। अक्सा कल्ली के बारे में आप कैसे जानते हैं भाई? एक उड़ती चिड़िया ने खबर दी थी मुझे। अब बताओ मुझे, साथ हो मेरे?
हर घड़ी आपके साथ हूं मैं भाई। काश वालिदा और भाई आपसे मिल सके। अगर जिंदगी रही तो ये जिम्मेदारी पूरी करके मैं वापस कबीले आऊंगा। अभी हमारा मकसद कुछ और है। तुम मेरी तरफ से गुंदूगदू और वालिदा के हाथ चूम लेना। मेरा सलाम कहना है उनको। तो ठीक है, अहलत के लिए निकलते हैं। नोयान, तुम्हारे धोखे की खबर मिलते ही मैंने रूहों से वादा किया था तुम्हारी लाश पेश करने का सुंगुर तकिन। अब मैं तुम दोनों की लाशों को भेंट चढ़ाऊंगा और ओस खान की ये मोहर मेरा इनाम होगी। Yeah.
मेरे बच्चे अब्दुल रहमान, मेरे बच्चे, या रब रहम कर दे इस पर, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, आगे खोलो, अभी आगे खोलो। हो चुकी, तुम भी नहीं बच सकोगे। भाई रुक जाए, रुक जाए। अब्दुल रहमान की हालत देखकर मुझे एहसास हो गया कि खता पर था मैं। मैं इतना बदबख्त हूं कि आपसे और कबीले से गद्दारी कर बैठा। मेरा खून आप पर हलाल है, तुम्हारा खून तो इस जमीन पर भी हराम है। होश में आओ भाई, आंखें खोलो भाई, देखो हम आ गए। आंखें खोलो मेरे भाई, देखो हमने इन काफिरों को मार दिया है। उठो मेरे भाई, देखो कैसी हालत है इसकी। हमने आने में देर कर दी, अब्दुल रहमान मर रहा है भाई। मेरे भाई अब्दुल रहमान, आंखें खोलो।
ऐसा लगा जैसे कोई तीर आके लगा मेरे, वो झूठ ठंडा हो गया मेरा। मेरी सांसें इसी उम्मीद पर चल रही हैं कि वो आएगा। अगर मेरी ये उम्मीद टूट गई तो मेरे अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश दम तोड़ देगी। डरती हूं मैं कि उसे देख भी पाऊंगी कि नहीं। भाई मोर कहाँ? मेरे पास है भाई, मेरे पास है। मेरा बहादुर भाई, भाई भाई भाई, खुदा के लिए आंखें खोले अपने भाई भाई भाई, आंखें खोले अपनी। हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें, हिम्मत करे भाई, आंखें खोलो ना मेरे भाई। हिम्मत रखो मेरे भाई, हिम्मत रखो। मंगोलों के हाथों अपने दो बेटे खोने के बाद अल्लाह ने मुझे इनाम के तौर पर तुम्हें अता किया। सियासी समझबूझ से, अपनी बहादुरी और शुजात से तुमने मेरी बेटी का दिल जीत लिया है गुंदोगदू। बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। ये माफी मांग रहे भाई? रहम मांगने वालों पर जुल्म नहीं करते हम, लेकिन खूनी दरिंदे हैं ये। इन्हें कैद कर लो और कबीले ले चलो, शायद किसी काम आ जाए। हो सकता है इनसे कोई ऐसी राज की बात उकलवा लें जो हमारे काम की हो। क्या वो बेगैरत भाग गया भाई? हाँ। हम फतेहयाब होकर लौट रहे हैं भाई, और ये फतह आपकी है। ये हमारी फतह है मेरे भाई, हम सबकी। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर।
क्या सोना ले आए तुम? नोयान की कोई खबर लाए हो क्या? नहीं जनाब। सारे जंगजू कहां गए आखिर? यहां क्या हो रहा है हमें पता लगाना होगा। पैगाम का इंतजार करना। उस खान की मोहर तुम्हारे हवाले है भाई। फिक्र मत करें भाई, आपको कुछ नहीं होगा। हौसला रखें, वालिदा आपकी मुंतजर है। वादे के मुताबिक सोना हाजिर है आपकी खिदमत में। गुंदोगदू साहब से मुआहदे के मुताबिक आप सोना ले आए हैं, तो अब से हमारे तमाम मवेशी और मसनूआत आपकी मिल्कियत हैं। मेरे आदमी माल जमा कर लेंगे, फिर हम कारवान की तैयारी मुकम्मल होते ही सुबह सवेरे यहां से रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सफर आसान करे। शुक्रिया है मखालम। गुंदोगदू भाई कहाँ गए हैं? किसी को कुछ नहीं मालूम या फिर कोई बताना ही नहीं चाहता? खैरियत है? सफर पे गए हैं। अचानक सफर पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो दरअसल मंगोलों का खतरा है, इसलिए एहतियात लाजमी है। ताजिर होना, इसलिए ज्यादा बोलने की आदत है। जब तक हम एक एक अशरफी गिन नहीं लेते, आप सामान कबीले से बाहर मत ले जाइएगा फरासियाब। जी बेहतर। आप ये सोना आर्तुक साहब के हवाले कर दीजिए, ये सबको उनका हिस्सा अदा कर देंगे। सिपाही सही सलामत लौट आए हैं आयमा खानम। तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। शुक्र है अल्लाह का। मुझे इजाजत दीजिए। Thank you.
अब गौर से सुनो। हमजा मेरा जंगजू था, बहसियत सिपा सालार ये मेरे हक है कि इसकी सजा का फैसला मैं करूं। समझ गए सब? ले जाओ से। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल शाफी के इस्म की बरकत से जो मैं कर सकता हूं करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। दरवेश आप जाकर पानी गर्म कीजिए। जी बेहतर। आप लोग जाइए, आराम कीजिए, जाइए। Yeah.
سردار نویان، حاضر خدمت ہوں میں. بازنطین تک سارے علاقوں پر ہماری حکمرانی ہوگی. افراسیاب، इस बार तुम लोगों ने हमला किया है, जवाब के लिए तैयार रहना. शुक्र है अल्लाह ने हमारे दुश्मनों को शिकस्त दी और हमें फतह का ये मुबारक दिन दिखाया. शुक्रिया सरदार, बेशक फतह नसीब हुई हमें, लेकिन नोयान नहीं मिल सका. यकीन है मुझे अगर यूं ही शेरों की तरह तुम लोग लड़ते रहोगे तो एक दिन उस मलून नोयान की लाश भी आ जाएगी. नोयान अब इतनी आसानी से खुद को संभाल नहीं पाएगा. हम अपने बहादुर जंगजुओं के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी बदौलत हमें ये फतह मिली. अल्लाह आप सब से राजी हो. आमीन आमीन सर. आमीन. दुआ है अल्लाह से वो हमारे शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. आमीन आमीन. बहुत शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें ये दिन दिखाया. शुक्र है जिंदाबाद. अफरासियाब से जाकर कहना नोयान को अर्तुरल की सारी मालूमात चाहिए. किस किस्म का इत्तेफाक है ये आखिर जो अर्तुरल भाई के दुश्मनों को सीधा उनके कदमों में डाल देता है. ओस खान की वो मोहर वो खुद मेरे पास लाएंगे.